इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगत के पास विकार उपस्थित होगा ही नहीं, होगा तो नष्ट होगा। कामदेव गया ना, छंद निकालिए भाई, काम बस जोगी तापस गया। कामदेव ने माया प्रेरित किया, चरा चर नारी मया ब्रह्मा देख चरा चर नारी अबलाबिलो अबलायम अबलाबिलो पुरुष सब अबलामयम दुईतन ब्रह्मांड काम कृत कौतुकम। 48 मिनट तक कामदेव ने पूरे धरती को अयम कृत भय कामनाओं के बस पूरा ब्रह्मांड हो गया, विकार जगा दिया कामदेव ने, पूरे ब्रह्मांड में। गोस्वामी जी तो सोरठे में और आगे कहते हैं, धरी न काहू धी सबके मन मन सिज। अब ये सोरठा बड़ा विचित्र है, महात्मा लोग कहते हैं इस सोरठे तक कथा लिख कर गोस्वामी जी ने कलम रख दिया। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं लिखाई गया धरी न काहू धीर, कामदेव ने सबके मन का हरण कर लिया। अरे काहू में तो सब आ गए। नीचे की पंक्ति श्री हनुमान जी की कृपा से श्री हनुमान जी ने ही पूरा किया रात्रि में। क्या? जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही कौन उबरे। एक कथा हम आपको सुनाया करते हैं, अच्छे संतरे याद है। एक भाई संतरा बेच रहा था, वो यही कहता था लाहौर की गलियों में, अच्छे संतरे अच्छे संतरे। कोई महात्मा थे, उन्होंने सुन लिया, वो बेचा संतरा अच्छे संतरे। महात्मा ने क्या सुना? अच्छे संग तरे।
जो साधकों के संग में रहेगा वो तर जाएगा, निश्चित मानिए साहब। हींग का व्यापार करने वाला व्यापारी हींग जैसा महकने लगता है, हिंगाने लगता है। सेंट का व्यापार करने वाला व्यापारी वो सेंटाइन महकने लगता है, वो हिंगाइन महकता है, वो सेंटाइन महकता है। घरवा में दादी जी जब दूध गैया भैंसिया का मिला के और महती थी तो दादी जी के पास तो गुजरो ना, तो उनके पास से गुजरते ही घी का महक आती थी। काहे, अब हाथ में सब घी लगा है, कहाँ जाएं? तो साड़ी की पल्लू में दादी जी अपना वही मजा जैसी सीताराम, ये तो गोरस है, नहीं करें तबो। आजकल तो घी तो छोड़िए, चटनी का मिर्चा हाथ में नहीं लगा था, कहा सब जगह बटन लगल बा। लेकिन क्षमा करना, हमारे यहाँ बड़ी कृपा है कि चटनी सिलबट्टे पर ही बनती है, चाहे सेवक बनावे चाहे बहुजी बनावे। हमारे लाला की माता रानी की चटनी वो सिलबट्टे पर बनती है, भरवी पूड़ी का पूरन सिलबट्टे पर बनता है, वो ग्राइंडर में दड्डा दड्डा नहीं बनता, उसमें स्वाद नहीं आता है। एक कृपा है, आप में भी जिन पर कृपा होगी उनके घर में सिलबट्टा जरूर होगा, सिलबट्टा घर का पुरनिया है। शेष तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके घर में सब ठीक है। हेलो, हाँ दो थाली भेज दो, हाँ आ गया था, ले लो हैं, वही भगवानों पाए रहे हैं, वह खुदा पाए रहे हैं। अच्छा, कोई अचरज भी नहीं है, पहुँच भर जाओ। किचन में कुछ बन नहीं रहा है, आपने बुलाया था, अभी अभी लीजिए, हेलो तीन कर देना, ले बाबा जी भी आ गए, लोग कहाँ, ऐसी व्यवस्था है साहब। हम इसमें भाग्यशाली हैं, राघव की कृपा से घर का मिलत है, बड़ी करुणा है। और मैं माताएं जो बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, कहूँगा कि घर रसोई से ही घर होता है, इसको बना के रखो। रसोई गृह भैया है, थोड़ा सुगंध निकले ठाकुरों सूंघें हमहों सूंघें, बना के रखो है? वो हमारा भजन आपको स्मरण होगा, भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहने अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम भज राम करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं है, राम भज करके रसोई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना, जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं हरिक भजन करा मनवा लगाई के, हरिक भजन करा मनवा लगाई के, कलयुग से निस्तार तब होई हो, जग
गति आप कोई नहीं जीवन को जिया जाए हो, जीवन को उधार न किया जाए, जीवन को उद्धार किया जाए, जिया जाए। धरी न काहू ढील सबके मन, हम चाहे जिसके साथ न रहें, हम साधु के साथ रहें, सत्य के साथ रहें, सिद्धांत के साथ रहें, हम किसी हवा में न बह जाएं। पता चले कि हम क्या हैं, श्री हनुमान जी क्या हैं भगवान के, बोलिए। हाँ? आप लोग डरते बहुत हो यार, फिर वही बतिया। हाँ? पढ़त लिखत नहीं हो आप लोग, अंदाजे में भटखरा। हाँ? इसीलिए भारत में जानते हैं ना, सबसे अधिक भारत में पार्टियां परेशान रहती हैं, पता नहीं लोग वोट देंगे कि नहीं देंगे। दुनिया के किसी देश में इतना तनाव में नेता नहीं रहते इतना भारत में रहते। काहे? कहते लोग सबको हाँ हाँ और देते हैं किसी को नहीं, जाते ही नहीं। हेलो, सिद्धांत समझिए। श्री हनुमान जी भगवान के क्या हैं? अच्छा क्षमा करिएगा, बुरा ना मानिएगा, आप में सुंदर कांड कौन पढ़ता है? तो जो सुंदर कांड के भगत हैं, जो 5 साल से पढ़ ही रहे हैं, वो चौपाई सुनावे। हनुमान जी ने माँ से अपना परिचय क्या दिया है? तो कहाँ नकल कर रहे हो, इनकी सुन के उनकी सुन के। जब हनुमान जी खुद अपने मुँह से कह रहे हैं तो कह लिए नकल कर रहे हो, जुगाड़ लगा रहे हो, अब कहीं माइनस मार्किंग हो गई तब। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।